दोस्तों जय हिंद। सभी पैरामिलिट्री के जवानों को और एसएससी जीडी युवाओं को, मेडिकल फिट युवाओं की हम बात करते हैं। सभी को जो है ये बर्फीली सुबह, शरद सुबह, और पैरामिलिट्री के जवानों को भी जो है ना, जो शरद की चाक चौबन चौकीदारी कर रहे हैं, उन सबको जो है रणबीर सिंह की तरफ से जय हिंद। एसएससी जीडी युवाओं को सरकार ने कोई अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया कि सभी मेडिकल फिट युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। बार बार चिट्ठियां भेजने के बावजूद, बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद अभी तक मंत्रालय की तरफ से भी कोई खबर नहीं आई कि भाई हमें बुलाया जाए ताकि हम उनके सभी युवाओं के, जो मेडिकल फिट युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाए। ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है महामहिम से लेकर राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री से लेकर डीजी सीआरपी से लेकर एसएससी चेयरमैन से लेकर, यानी कि कहां तक हमने घोड़े नहीं दौड़ाए और हमने इलाकों युवाओं की बात सरकार तक पहुंचाने का एक गंभीर प्रयास किया। दोस्तों की बराबर आवाज आ रही है कि सोशल मीडिया से इस पॉइंट को उठाया जाए, एक बार फिर से अभियान चलाया जाए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग 9 जनवरी को सुबह 11 बजे ऑल मेडिकल फिट युवाओं को का अभियान चलाया जाएगा और इसमें भारी जनभागीदारी निभाई जाए। ये आखिरी मौका होगा ताकि फिर रिजल्ट, और हम चाहेंगे कि टॉप 3 पे, 4 पे, हम तो चाहेंगे टॉप फर्स्ट पे अटेंड हो। इसके लिए अभी से तैयारी कर ली जाए, फिर से जो है 9 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ किसी चौपाल में, चौराहे पे, कहीं सार्वजनिक स्थान पे, जहां आप लाइक करते हैं वहां पे बैठा जाए। ट्विटर पे अकाउंट बहुत ज्यादा खोले जाएं ताकि ये आवाज सरकार तक जाए। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है ट्विटर, और प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज जाए, सत्ता के गलियारे रायसीना हिल तक आवाज जाए, गृह मंत्री तक आवाज जाए के साहब इलेक्शन में आप बिजी हों, लेकिन अगर इनकी मेडिकल फिट युवाओं की नौकरी 25,000 ही तो सीट मांग रहे हैं एक्स्ट्रा नहीं हुई, तो उसका आपके आने वाले इलेक्शन पे भी प्रभाव पड़ेगा। पूरे देश में ये आवाज जाएगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें भारी जन भागीदारी निभाए। अपने गांव के दोस्तों को, अपने यारे प्यारों को उनका ट्विटर खुलवा दीजिए, और हम अभी आज सोच के आज हम लोगों को बोलेंगे कि भाई कौन सा जो है अच्छा रहेगा हैशटैग आप बना के आप भेजें हमें। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत लोग जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमने बीच में सस्पेंड कर दिया था, वो अभी फिर चालू किया क्योंकि उसमें सिर्फ रे ज़्यादा होते हैं, गाली गलोच ये वो, उससे मैं तंग आके मैंने उसको बंद कर दिया। अभी फिर लोगों की रिक्वेस्ट पे चालू किया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को, उन्हीं लोगों को जुड़े, ठीक है, और अपने जितने भी जो ग्रुप्स हैं आपके उसमें सबको जो है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है या जो भी ग्रुप्स हैं उन पे जो है 9 जनवरी सुबह 11 बजे ट्विटर, तो वो उसका नाम बदल दें, नाम बदल के 9 जनवरी सुबह 11 बजे ट्विटर ऐसा कर दीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे, तो ताकि वो मैसेज सब में रहता रहेगा। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जन भागीदारी काफ़ी होनी चाहिए, और फॉलोइंग की संख्या बहुत कम है यार, इतने सारे 85,000 लोग हैं और फॉलोइंग संख्या ज़्यादा है। तो रणबीर _ CRPF, फिर से मेरा ट्विटर हैंडल @RanbirCRPF, रिपीट कर रहा हूँ, रणबीर RANBIR _CRPF फॉलो कीजिए। द वॉइस ऑफ अर सैनिक, हम युवाओं की आवाज बनने की एक दिशा में बढ़ रहे हैं, और हमारा ध्येय सिर्फ यही है कि सभी मेडिकल फिट युवाओं को एक बार फिर से उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए, और उस दिशा में बढ़ते कदम
आइए 9 जनवरी सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक धुआंधार जो है अभी से तैयारी की जाए, पोस्टर बैनर, उसमें ये 9 जनवरी ट्विटर ऑल इंडिया ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट इस तरह की वो बनाएं, लोगोस बैनर पोस्टर, और पूरे देश में ये आवाज़ फैले। शाम तक हम हैशटैग के साथ वो कर देंगे आपको शाम तक, तो वो फिर वो उसी को फैलाना, ठीक है, हैशटैग के साथ, ओके, ताकि जो है, और घबराइएगा मत, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, दिल नहीं तोड़ना। जब आप ऐसे करते हैं तो हमारी हमारा भी दिल पे फर्क पड़ता है, ऐसा ना करें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हिम्मत रखिए और डिसिप्लिन से। सोशल मीडिया पे बहुत कड़ी नज़र है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं बोलना, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। कल ने आप होने वाले सेकुलर चौकीदार होंगे तो आपकी जो वो गोबर भरा हुआ है वो उसको निकाल दीजिए। आप एक सेकुलर जब खाकी पहन लेता, कॉम्बैट पहन ले, तो उसकी नज़र में सब लोग धर्म एक जैसे होते। चलिए आइए और इस मैसेज को फैलाया जाए, ज़्यादा शेयर किया जाए, यूट्यूब पे जो है हमें सब्सक्राइब किया जाए, घंटी दबाई जाए, आपको सब पता है, तो फॉलोअर संख्या बढ़ेगी और आपके पास ऑटोमेटिकली हमारे वीडियोस भी आते रहेंगे। तो हमें ट्विटर पे और यूट्यूब पे, और अर्धसैनिक बल हिंदी में है जिसके 2,00,000 से 37,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। दो अर्धसैनिक बल हैं, एक अर्धसैनिक बल जिसमें हमने अखबार वाला फोटो लगाया हुआ, उसमें हमने कतरने लगाई हुई है, वो हमारा जो है यूट्यूब पे भी उसी का एक फ़ोटो डाला हुआ है, अखबारों की कतरनों का, उनमें हमारे पैरामिलिट्रीज के इशूज को लेकर। तो आइए इस अभियान में जन भागीदारी निभाएं, अपने स्कूल के दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को, अपने यारे प्यारों को अभी से ट्विटर पे फॉलो कीजिए, ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो वो आवाज़ जाएगी, और जो सो रहे हैं ट्विटर पे वो भी जागे। प्लीज़ ऐसे फॉलो का क्या फ़ायदा जब आप आ ही नहीं रहे, खाली फॉलो पे हो गया, बाकी कुछ नहीं। तो आइए इस अभियान को एक नई दिशा दें, आपका दिन अच्छा जाए। याद रखिए, मैसेज को फैलाइए SSCGD ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के लिए 9 जनवरी को 11 बजे हम जो है ठीक 11 बजे आएंगे, और जो है एक धुआंधार चले और पूरे देश में सैलाब आए और वो टॉप 5 में जाए, ताकि सरकार की नज़र में जाए, अखबारों में दीजिए, जगह जगह दीजिए कि हम ट्विटर अभियान के लिए जो है इस तरह से जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा जाए, और हमारी उम्मीद कि सरकार तक युवाओं की आवाज़, नहीं तो वो सब लोग क्या होगा, उसमें ज़्यादातर लोग जो पिछले 3 साल पहले भी जो 15 में भी किए थे, फिर 18 आ गया, अब फिर कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साहब वो तो फिर सारे ओवरेज हो जाएंगे, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। हम फिर याद दिलाते हैं सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट हुए हैं और 1,11,000 वैकेंसी हैं, तो सरकार को देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये आवाज़ सरकार तक जाए कि सर बहुत बड़ी बात होगी, लाखों घरों में जो है फिर से दिए मोमबत्ती जलाई जाएंगी, और पड़ोसी हड़बड़ाएगा, ड्रैगन हड़बड़ाएगा, चालाक ड्रैगन चीन हड़बड़ाएगा, जब हमारे युवा शरद पे जब बर्फीले हिमालय में जाएंगे, तो एक नए माहौल का, मौसम का, नए साल का आगाज होगा, और देश की सरहदें सुरक्षित होंगी, और कानून व्यवस्था में भी ये लोग बड़ी भागीदारी निभाएंगे। इसलिए सरकार तक ये नज़र में होना चाहिए कि साहब कोई बड़ा बजट में घाटा आने वाला नहीं है, नियुक्ति पत्र दे दीजिए साहब, और फिर हम कहते हैं कि चलो
9 जनवरी ट्विटर सुबह 11 बजे। मैसेज को फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, हर चीज़ आपको ज़्यादा मालूम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।